गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो प्लस वन की पोएम के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्लस वन क्लास की पोएम है, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ रेन। सबसे पहले हम इस टाइटल को एनालाइज करें तो वो ए का गुर्दा का मालूम आपको ए के लिए प्रयोग किया जाता है। वॉइस होती है आपकी आवाज, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है आपकी की, रेनिंग का मतलब होता है बारिश। तो जो आपके पोएम के पोइट हैं, जिनका नाम वॉल्ट विटमैन है, वो इस पोएम में मेंशन करते हैं दैट ही सेज दैट एन इमेजिंग डिस्क्रिप्शन, ये एक काल्पनिक विवरण उल्लेख कर रहे हैं कि मीटिंग की उनकी मुलाकात हुई है किसके साथ, बारिश के साथ। एंड ही सेज दैट इट रेन केम्स टू द अर्थ। रेन जो है वो बारिश जो है वो पृथ्वी पे आती है शावर के तौर पे, बुझार के तौर पे। जो स्प्रॉट्स होते हैं, पत्तियां इत्यादि जो होते हैं, फल जो होते हैं, विकसित होते हैं पौधे, किसके कारण? बारिश के कारण हरियाली जो है उत्पन्न होती है। तो जो कवि है वो यहाँ पे हमें एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन देता है, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन या एक विवरण देता है किसके बारे में? रेन के बारे में। दिस इज दैट ही एनकाउंटर्स विद रेन, कि उसकी बातचीत हुई है किसके साथ? रेन के साथ बातचीत होती है, और वो उस बातचीत का उल्लेख जो है इसमें करता है। कभी हमें कहता है कि इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन, ठीक है। रेन कम्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ शावर। जो रेन है वो पृथ्वी पे आती है किसके तौर पे? बोझार के तौर पे। और बारिश के आने से पूर्ण रूप से पृथ्वी पे हरियाली हो जाती है। जो बंजर जमीन होती है वो भी उपजाऊता देने लगती है किसके कारण? रेन के कारण। तो पृथ्वी का और रेन का एक बहुत ज्यादा महत्व है। कवि जो है पृथ्वी की कविता के रूप में प्रकट करता है किसको? बारिश को या रेन को, ठीक है। इसके अलावा कवि जो है हमें ये बताता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसपे पृथ्वी का किसके साथ? रेन के कारण। बिकॉज जो लाइफ जो है जीवन कहाँ पे? जब हम बात करते हैं अर्थ पे, हर वस्तु का, चाहे वो जीव है, जंतु है, पृथ्वी है, जमीन है, इंसान है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, सबकी जो लाइफ है वो जीवन डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे? रेन के ऊपर। तो लाइफ जो है पृथ्वी की या अर्थलिंग्स या पृथ्वी वासियों की, वो डिपेंड करती है किस पे? बारिश पे। तो बारिश आती है और पृथ्वी पे हरियाली देके चली जाती है, तो एक कविता के तौर पर, ठीक है। और ये हमारी पोइम की मेन थीम है, कॉन्सेप्ट है जो कभी कहना चाहता है। अब आप अपनी अपनी बुक्स निकालिए, इसको फिर हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे जो ये आपकी पोइम है, ठीक है। इस पोइम में पहला स्टेंजा देखिए, एंड हु आर थो सेड द सॉफ्ट वॉलिंग शावर। यहां पे कभी कहता है कि ये एक अपने जो गुप्त बात है, मैंने आपको बताया कि कभी जो है आपकी स्टार्टिंग में मैंने अच्छी तरह बता दिया कि वॉल्ट विटमैन जो है वो अपनी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, अपने बातचीत का उल्लेख कर रहे हैं जब वो मिल रहे हैं किससे? रेन से जो बातचीत कर रहे हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये कवि की सिर्फ एक संकल्पना है, एक उसकी सोच है, वास्तविकता इसमें नहीं है। तो वो शुरुआत करते हैं, एंड Who art thou said I soft falling rain? जब बारिश हो रही थी तो उसने कवि ने बारिश से कहा क्या? Who art thou? तुम किसकी कला हो? किसके कारण बारिश होती है? ठीक है, बेसिकली सी बात है। पृथ्वी पर आप मालूम है बारिश को बोले तो किसके कारण होती है? नेचर।
किसके कारण? नेचर के कारण। और नेचर किसके कारण है? गॉड के कारण। इट मींस इफ यू आर रिस्पेक्टिंग नेचर देन यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू गॉड। अगर आप आदर कर रहे हो किसका? प्रकृति का, तो आप इनडायरेक्टली वैसे आदर कर रहे हो किसका? बारिश का। तो बारिश भी एक रूट है किसका? नेचर का या प्रकृति का। तो कभी नहीं पूछा कि तुम किसकी कला हो, किससे? पृथ्वी पर गिरती हुई बोझारों से। विच स्ट्रेंज टेल गिव मी आंसर एज हियर आई ट्रांसलेटेड। कभी कहता है कि जब मेरी बातचीत हुई और जो विचित्र जवाब मेरे को पृथ्वी उसने बारिश ने दिया, वो मैं आपके साथ इस पोएम में उल्लेख कर रहा हूं। उसका मैं आपको आंसर के बारे में या जो हमारी बातचीत हुई रेन से या बारिश से, उसका उल्लेख मैं इस पोएम में कर रहा हूं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। बारिश ने क्या कहा कि मैं क्या हूं? कविता हूं। किसकी? पृथ्वी की। ठीक है। And said the voice of the rain, जो आवाज थी किसकी? रेन की या बारिश की। जब कवि ने पूछा who's your art you are, किसकी कल्पना तुम हो, किसकी कला तुम हो, तो वॉइस ने कहा I am the poetry of the earth, poem of the earth, मैं क्या हूँ? पृथ्वी की कविता हूँ। ये बात कही किसने? पृथ्वी, बारिश ने कही किससे? कवि से। Eternal I am this, impelled out of land and bottomless of sea. Impel का मीनिंग देखिए, आपका सबसे पहले जो क्रिटिकल मीनिंग है हमारे उनको देखते हुए हम चलते हैं। Impel, I am P A L E, impellable, इसका मतलब है जिसे छुआ न जा सके। इटर्नल आपको मालूम है, एक्सटर्नल और इटर्नल। इटर्नल क्या होता है? अंदर में। ठीक है। और आपका एक आया क्या? बॉटमलेस, तली। बॉटम क्या होता है? नीचे का हिस्सा। बॉटम नीचे हिस्सा। ठीक है। जब कवि ने पूछा कि who are you, तुम कौन हो, तो बारिश ने जवाब दिया कि मैं जो हूँ प्रकृति, पृथ्वी की पोएम हूँ, एक कविता हूँ धरती की। ठीक है। और इटर्नल आई रेज इम्पेल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस ऑफ द सी। आपको मालूम है कि बारिश की संरचना या बारिश की जो रचना होती है वो कैसे होती है? वाष्पीकरण या इवेपोरेशन के द्वारा। तो बारिश गिरती है किस पे? जमीन पे, या अंडरग्राउंड वाटर होता है, या फिर सीज वगैरह, समुद्र वगैरह पे बारिश होती है, और गर्मी के कारण उसका वाष्पीकरण या इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण वो बारिश की रोटेशन जो है निरंतर या कंटिन्यूस चलती रहती है। तो यहीं पे ये बात आपको बताई गई है कि बारिश कह रही है इटर्नल आई रेस इम्पेल, जो मैं निरंतर जो हूँ वो ऐसी अवस्था में चलती रहती हूँ जिसे महसूस किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। आउट ऑफ लैंड, जमीन से निकलती हूँ, एंड बॉटमलेस ऑफ सी, ऐसे समुद्र में जाके गिरती हूँ मैं बारिश के रूप में, जो कि कैसा है? इसका बॉटम या तलेटी या नीचे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि समुद्र की गहराई को मापा नहीं जा सकता। अपवर्ड टू हेवन व्हेंस एग्री फॉर्म्ड टुगेदर ऑल टुगेदर चेंज्ड एट द सेम। पृथ्वी जो कहते वो बारिश जो है वो अभी कहती है अपवर्ड टू हेवन, जो स्वर्ग है कहां पे? ऊपर की तरफ। वेंस जब रेगुली रेगुली मीन्स अनिश्चित रूप में, अनिश्चित रूप में। तो ये कहती है कि मैं पृथ्वी पे आती हूं अनिश्चित रूप में, एंड ऑल formed altogether changed, और फिर से बदल जाती हूँ। मीन्स बारिश की कोई निश्चित शेप नहीं होती। निश्चित शेप क्यों नहीं होती? कि हल्की बारिश हो तो आप उसे, हल्की बूंदाबांदी होगी तो आप उसे रेन शावर कह सकते हो, अगर ज्यादा तेज होगी तो आप उसको रेन कह सकते हो, लेकिन अगर पानी के रूप में न हो, आइस, छोटे छोटे आइस के टुकड़ों के रूप में, तो आप उसे स्टॉर्म कह सकते हो। तो ये सब क्या है? आइस, बर्फ के या रेन के, सॉरी, रेन के या बारिश के प्रकार है। तो यहाँ पे जो बारिश है वो कहती है कि मैं आती रहती हूँ विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं के, अवस्थाओं को बदलते हुए विभिन्न स्थितियों में। ठीक है।
अगला पैराग्राफ देखिए, आई डिसेंड टू हैव ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब देन एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड प्योर द ब्यूटी इट। जो बारिश है वो हमें कहती है कि आई डिसेंड टू ले द ड्रॉट्स, डिसेंड का मतलब क्या होता है, नीचे आना, डिसेंड का मतलब नीचे आना। जो बारिश है वो कहती है कि मैं नीचे आती हूं, कहां पे, पृथ्वी पर, कहां पे, पृथ्वी पर, किस लिए आती हूं भी, वो चीज भी आपको बताई गई है। क्या है कि पृथ्वी पे मैं आती हूं किस पे, ड्रॉट्स, जो सूखा होता है। ड्रॉट क्या होता है, सूखा, सूखेपन को समाप्त करने के लिए। मालूम है आपको किसान वगैरह जो होते हैं वो फसल के लिए निर्भर करते हैं इस पे, बारिश पे, अगर बारिश समय पे हो जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो सूखा हो जाता है। तो रेन कहती है कि मैं पृथ्वी पे आने का मेरा मकसद क्या है, एक तो जो सूखापन है उसको स्थापित समाप्त करना, इसके अलावा सीड्स जो है, बीज बोला जाता है ना, बीजों में बीज सबसे बड़ा बीज जो होता है वो पानी होता है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी बीज विकसित नहीं हो सकता है। इसीलिए बारिश कहती है कि मैं आती हूँ पृथ्वी पे ताकि सभी बीज या फल फूल जो है पृथ्वी पे विकसित हो सके। इसके अलावा जो पृथ्वी पे सूक्ष्म जीवाणु है, छोटे जीव है, कीड़े मकोड़े और अन्य जीव जंतु जो है वो पृथ्वी पर विकसित हो सके। इसके अलावा जो पृथ्वी पे अंदर जो डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, वो स्वच्छ हो सके, साफ हो सके, प्रकृति शुद्ध हो सके और जो प्रकृति की सुंदरता है वो विकसित हो सके। इसलिए पृथ्वी पर आती है कौन, बारिश। तो देखते हैं, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, जो बारिश है वो कवि से कहती है कि मैं पृथ्वी पे आती हूँ इसलिए सूखों को, सूखे को समाप्त करने के लिए, छोटे कणों को जो जीव जीवाणु है उनको जीवन देने के लिए, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जो धूल मिट्टी है ग्लोब की, उसको स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट देम विद मी सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। अगर मैं पृथ्वी पे न आऊं, अगर बारिश न हो तो कोई भी बीज जो है वो पृथ्वी पर विकसित नहीं होगा। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट, इसलिए दिन रात, आई गिव बैक माई लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं अपनी जो चरिया है या घुमाव जो है अपने जीवन का वो बिताती रहती हूँ कि वाष्पीकरण होगा, फिर पृथ्वी पे बारिश होगी। यही रोटेशन जो है लाइफ जो है बारिश की या रेन की चलती रहती है। और किस लिए, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, पृथ्वी को सुंदर और शुद्ध बनाने के लिए बारिश जो है वो पृथ्वी पर आती है। ठीक है, अगला स्टैंजा देखिए, फॉर शोइंग इशू द फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, फॉर सोन इशूइंग इट्स बर्थ प्लेस, जो पृथ्वी, बारिश जो है अपना मधुर गान बताती है उसके उत्पन्न स्थान से, एंड आफ्टर फुलफिल, पूर्ति होने के बाद, जिस मकसद से पृथ्वी पर बारिश आती है उस मकसद की पूर्ति होने के बाद, वेंडरिंग रिकेट्स एंड ब्रेक ड्यूली विद लव रिटर्न्स, बारिश जो है वो पूरे स्नेह, अपना स्नेह जो है, दुलार जो है पृथ्वी को देके उसकी सुंदरता बढ़ा के अंत में जो है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, और फिर दोबारा से वाष्पीकरण की विधि होती है जिसके कारण बारिश जो है वो आती है और पक्षी इत्यादि जो है वो अपना मधुर गान करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी वॉइस ऑफ द रेन। तो इस पोएम में हमें बताया गया कि जो प्रकृति है उसके एक अहम योगदान होता है हमारे जीवन में, सूखा, बाढ़ इत्यादि जो है वो प्राकृतिक चीज है, लेकिन प्रकृति को अगर हम संजो के रखते हैं, प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, तो हम बाढ़ सूखे इत्यादि से बच सकते हैं। समय पे बारिश होगी और समय पे जो अन्य मौसम होते हैं वो विकसित होते हैं, क्योंकि पृथ्वी और प्रकृति दोनों जो है हमें उपहार के तौर पर प्राप्त हुई है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए इनका संरक्षण एवं देखभाल करें। तो ये आपकी पोएम थी वॉल्ट व्हिटमैन की द वॉइस ऑफ द रेन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।